हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हार्ट कम्युनिकेटर होता है, ट्रेक्स होता है, उसमें क्या अंतर है, क्योंकि हार्ट कम्युनिकेटर जो काम करता है वही काम ट्रेक्स भी करता है। जैसे हार्ट कम्युनिकेटर से किसी ट्रांसमीटर का या वाल्व का या सेंसर का कैलिब्रेशन करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसी तरह ट्रेक्स से भी सेम काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेक्स है उसका काफ़ी प्राइस होता है और जो हार्ट कम्युनिकेटर होता है वो उसका थोड़ा कम होता है। आखिर क्यों इतना अंतर क्यों है, क्या कारण है कि जो ट्रेक्स है उसका इतना ज़्यादा प्राइस होता है, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर किसी ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करना है, वो ट्रांसमीटर FF केबल वाला हो या हार्ट केबल वाला हो, उसे हम हार्ट कम्युनिकेटर होता है उससे उसका ट्रबल शूटिंग करते हैं, और सेम वही काम, वही ट्रबल शूटिंग का काम ट्रेक्स से भी करते हैं। तो जब दोनों सेम ही काम कर रहा है तो ट्रेक्स जो है वो अलग क्यों है, उसका प्राइस उतना ज़्यादा क्यों है। जैसे जो एक मेन चीज़ जो दिखता है कि जो ट्रेक्स होता है उसे हम पावर दे सकते हैं किसी भी ट्रांसमीटर में, जबकि हार्ट कम्युनिकेटर से किसी ट्रांसमीटर में पावर नहीं दे सकते हैं। अगर किसी ट्रांसमीटर में पावर देना हो, हमारे पास अगर कोई हार्ट कम्युनिकेटर है तो वहाँ पे हमें मिलीएम्पियर सोर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसमीटर सही से काम कर पाएगा, क्योंकि उसको पावर चाहिए तो वो काम करेगा। ऑफलाइन में अगर काम कराना हो, उस ट्रांसमीटर को निकाल दिए हैं और लैब में या कहीं भी अगर उससे हमको चेक करना हो या फील्ड में ही चेक करना हो और वहाँ पर पावर सप्लाई का नहीं हो एक तरह से मान लीजिए, तो वहाँ पर हमें मिलीएम्पियर सोर्स चाहिए और हार्ट चाहिए। लेकिन अगर ट्रेक्स होगा तो उसे सारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है ट्रेक्स में कि पावर प्लस हार्ट या पावर प्लस FF, पावर प्लस हार्ट, इस तरह का ऑप्शन होता है। अगर हम हार्ट में काम कर रहे हैं तो पावर प्लस हार्ट वाला जो ट्रांसमीटर है, अगर उसमें काम कर रहे हैं तो पावर प्लस हार्ट में कनेक्ट करके काम करेंगे। अगर FF केबल वाला अगर ट्रांसमीटर है तो FF प्लस पावर वाले जो पोर्ट होते हैं उसमें लगा करके और हम कैलिब्रेशन करते हैं या ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें अलग से मिलीएम्पियर सोर्स का काम जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें अलग से पावर देने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें पावर और जो कैलिब्रेटर है ये दोनों साथ में ही है। जबकि अगर हार्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अलग से मिलीएम्पियर सोर्स का यूज किया जाता है, जबकि ट्रेक्स में ऐसा नहीं है। ट्रेक्स में पावर भी मिलता है और उसका ट्रबल शूटिंग करने के लिए उससे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, मतलब हार्ट जो है वो FF केबल के लिए भी यूज होता है और हार्ट केबल के लिए भी यूज होता है। उसी तरह ट्रेक्स भी हार्ट केबल के लिए, केबल वाले जो ट्रांसमीटर है उसके लिए यूज होता है, और FF केबल वाले जो ट्रांसमीटर होता है उसमें भी यूज होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो ट्रेक्स होता है वो पावर भी देता है और कैलिब्रेशन का भी काम करता है, दोनों काम करता है एक साथ में, इसलिए उसका प्राइस शायद जो हार्ट है उससे ज़्यादा होता है ट्रेक्स का। अगर आपको मालूम होगा इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो कृपया कमेंट में बताइए कि और क्या क्या अंतर होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।